श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 1 राजा सुद्युन का स्त्री बनना। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु शुकदेव गोस्वामी, आपने विभिन्न मनुओं के सारे युगों की सविस्तार व्याख्या की है और उन युगों में सर्वशक्तिमान भगवान के अद्भुत कार्यों की महिमा भी वर्णित की है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ये सभी बातें आपसे सुनी। गत कल्प के अंत में भगवान की कृपा से द्रविड़ देश के पवित्र राजा सत्यव्रत को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और अगले मन्वंतर में विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। मुझे ये ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैं ये भी जानता हूँ कि इक्ष्वाकु आदि राजा उनके पुत्र थे, जैसा कि आपने पहले बताया है। हे परम भाग्यशाली शुकदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, कृपया हमें उन सभी राजाओं के वंश और गुणों का अलग अलग वर्णन करें, क्योंकि हम हमेशा आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। वैवस्वत मनु के कुल में उत्पन्न समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम का वर्णन कीजिए, चाहे वे अतीतकालीन हों, वर्तमानकालीन हों या भविष्यकालीन हों। सूत गोस्वामी ने कहा, वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में जब महाराज परीक्षित ने परम धर्मज्ञ शुकदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे बोलने लगे। शुकदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले राजा, अब तुम मुझसे मनु के वंश के बारे में विस्तार से सुनो। मैं तुम्हें जितना भी संभव हो उतना बताऊंगा, लेकिन 100 साल में भी इसके बारे में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। कल्प के अंत में जीवन की उच्च और निम्न अवस्था में रहने वाले जीवों के परमात्मा विद्यमान थे। जब ब्रह्मांड और कुछ भी नहीं था, केवल वही मौजूद थे। हे राजा परीक्षित, परमेश्वर विष्णु की नाभि से एक सुनहरा कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर 4 मुखों वाले भगवान ब्रह्मा जन्मे थे। ब्रह्मा जी के विचारों से मरीचि ने जन्म लिया और मरीचि के वीर्य से तथा दक्ष के महाराज कन्या आदिति के गर्भ से कश्यप ने जन्म लिया। कश्यप से अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। हे भारतवंश के श्रेष्ठ राजन, विवस्वान को संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु की प्राप्ति हुई। श्राद्धदेव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याती, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, पृष्ध्र, नभग और कवि। शुरुआत में मनु के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण महान ऋषि वशिष्ठ ने मित्र और वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो केवल दूध पीकर जीवन यापन कर रही थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक पुत्री की प्रार्थना की। प्रधान पुरोहित के ये कहने पर अब आहुति दें, आहुति देने वाले होता ने आहुति देने के लिए घी लिया। तभी उसे मनु की पत्नी के अनुरोध की याद आई और उसने वष्ट शब्द का उच्चारण करते हुए यज्ञ संपन्न किया। मनु ने वंश वृद्धि की भावना से वो यज्ञ शुरू किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित उसका ध्यान भटक जाने के कारण इला नाम की कन्या ने जन्म लिया। कन्या को देखकर मनु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए, अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर बोले, प्रभुवर, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में कुशल हैं, तो ऐसे में फल आशा के विपरीत कैसे निकला? यही पश्चाताप का विषय है। वैदिक मंत्रों का इतना विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए था। तुम सभी संयमित, संतुलित और परम सत्य से परिचित हो। तपस्याओं से तुमने अपने आप को भौतिक कल्मश से पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। तुम्हारे वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि तुम्हारा संकल्प विफल हो गया? मनु के इन वचनों को सुनकर प्रबल पराक्रमी प्रपितामह वशिष्ठ ऋत्विज होता की चूक समझ गए। इस कारण सूर्यपुत्र से बोले, लक्ष्य में ये विसंगति तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य से हट जाने के कारण हुई है। फिर भी अपने पराक्रम के बल पर मैं तुम्हें एक अच्छा पुत्र अवश्य दूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, प्रसिद्ध और शक्तिशाली वशिष्ठ ऋषि ने यह निर्णय लेने के बाद सर्वोच्च पुरुष भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इला को पुरुष में बदल दें। परम नियंता भगवान वशिष्ठ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान प्रदान किया। इस तरह इला नामक कन्या सुद्युम्न नामक सुंदर पुरुष में रूपांतरित हो गई।
हे राजा परीक्षित, वीर सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों और सहयोगियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर एक बार जंगल में शिकार करने गया। उसने कवच पहना हुआ था और धनुष बाण से सुशोभित था। वो बहुत ही सुंदर था। पशुओं का पीछा करते हुए और उन्हें मारते हुए वो जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहां भगवान शिव हमेशा उमा के साथ विहार करते हैं। सुद्युम्न ने उसी वन में प्रवेश किया। हे राजा परीक्षित, जब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में बदल गया है। तब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों और अपने लिंग को उल्टा हुआ देखा तो वे सभी अत्यंत दुखी हो उठे और एक दूसरे की ओर निराश भाव से देखने लगे। राजन परीक्षित ने कहा, हे अति शक्तिशाली ब्राह्मण, ये स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और इसे किसने इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार मर्यादाओं का कठोरता से पालन करने वाले महान संत थे, जिनके तेज से सभी दिशाओं के अंधेरे दूर हो जाते थे। वे सभी उस जंगल में भगवान शिव को देखने के लिए आए। जब देवी अंबिका ने महान संतों को देखा तो वे बेहद शर्मिंदा हुई, क्योंकि उस समय वे बिना वस्त्रों के थीं। तुरंत वे अपने पति की गोद से उठीं और अपने सीने को ढकने की कोशिश करने लगीं। शिवजी और पार्वती को रमण करते देख सभी साधुजन तुरंत आगे बढ़ना त्याग कर नर नारायण के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद अपनी पत्नी को खुश करने के लिए भगवान शिव ने कहा, इस स्थान पर आने वाला कोई भी पुरुष तुरंत स्त्री बन जाएगा। उस समय से कोई भी पुरुष उस जंगल में नहीं घुसा था। अब स्त्री रूप में परिणत होकर राजा सुद्युम्न अपने साथियों के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर घूमने निकला। सुद्युम्न को बेहद सुंदर स्त्री में बदल दिया गया था, जो कामुकता भड़का रही थी और दूसरे औरतों से घिरी हुई थी। चांद के बेटे ने इस खूबसूरत औरत को अपने आश्रम के पास घूमते देखा और उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को पति के रूप में स्वीकारने की इच्छा जाहिर की। तब बुध ने उसके गर्भ से पुरुवा नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। मैंने विश्वसनीय स्रोतों से सुना है कि मनु के पुत्र सुद्युम्न ने स्त्रीत्व प्राप्त कर अपने कुलगुरु वशिष्ठ को याद किया। सुद्युम्न की इस दयनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ को बड़े कष्ट हुए। उन्होंने सुद्युम्न को उसका पुराना रूप दिलाने की इच्छा से भगवान शंकर अर्थात शिवजी की पूजा फिर से प्रारंभ कर दी। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हो गए। अतएव उन्हें खुश करने और पार्वती को दिए अपने वचन की रक्षा करने के उद्देश्य से शिवजी ने उस संत पुरुष से कहा, तुम्हारा शिष्य सुद्युम्न एक महीने के लिए पुरुष होगा और अगले महीने के लिए स्त्री होगा। इस प्रकार वह इच्छानुसार जगत पर शासन कर सकेगा। इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर भगवान शिव के वचनों के अनुसार सुद्युम्न को प्रत्येक दूसरे महीने में अपना वांछित पुरुषत्व वापस मिल जाता था। इस तरह वह राज्य पर राज करता रहा, हालांकि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। हे राजन, सुद्युम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिनके नाम उत्कल, गय और विमल थे, जो दक्षिणापथ के राजा बने। इसके बाद जब समय अनुकूल हुआ, जब जगत के राजा सुद्युम्न पर्याप्त रूप से वृद्ध हो गए, तो उन्होंने अपना सारा राज्य अपने पुत्र पुरुवा को दे दिया और स्वयं वन में चले गए।